हेलो दोस्तों, मैं निर्भय कुमार आज से हैंक्विंग पीडीएस के कोर्स स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ये कंप्यूटर एज नेटिंग डिज़ाइंस का कोर्स है, जिसमें चाइनीज मशीन्स के सॉफ्टवेयर हैंक्विंग पीडीएस के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ मैं नेटिंग की भी थोड़ी बहुत जानकारियाँ आपको दूंगा। इससे आप हैंक्विंग में डिज़ाइंस बनाकर कंप्यूटराइज नेटिंग मशीन्स पे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं हैंक्विंग पीडीएस को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आप गूगल क्रोम खोलो और वहाँ पे टाइप करो hqcnc.cn, एंटर। ये साइट चाइनीज लैंग्वेज में होगा, पर अगर गूगल क्रोम में आपने खोला हुआ हो तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट नहीं होता है तो यहाँ से आप क्लिक करके ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके बाद आप डाउनलोड सेंटर पे जाओ। डाउनलोड सेंटर पे आपको मिलेगा हैंक्विंग 980 प्लेट मैकिंग सॉफ्टवेयर, और एक मिलेगा हैंक्विंग 950 प्लेट मैकिंग सॉफ्टवेयर, हैंक्विंग 960 प्लेट मैकिंग सॉफ्टवेयर। ये तीन सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कंप्यूटराइज नेटिंग मशीन्स पे चलते हैं। 960 सॉफ्टवेयर, ये सर्विस पैक 1 विंडोज 7 में आसानी से चल जाता है। 99,950 प्लेटेड मैकिंग सॉफ्टवेयर, ये 8 फीडर का सॉफ्टवेयर में से। और अगर आप 980 डाउनलोड करते हो तो इसमें सर्विस पैक 2 चाहिए विंडो 7 के लिए। विंडो 10 में, विंडो 8 में ये चल जाएगा। इसके साथ खासियत ये है कि आप अगर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो आप इन दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो इसके फाइल को, तो आपको अलग से इन दोनों को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप क्लिक करते हो तो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। आप फिर इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद ये आइकन आपको मिलेगा। इसको आप अगर डबल क्लिक करोगे तो ये फाइल खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको नया फाइल खोलने के लिए ओपन न्यू फाइल करना पड़ेगा। ओपन न्यू फाइल में ये नेम ऑफ मॉडल्स, जो मशीन्स चाइनीज मशीन्स जितने तरीके की आती है वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये 4 सिस्टम की मशीन्स हो गई, ये 3 सिस्टम की मशीन्स हो गई, ये 2 सिस्टम की, 1 सिस्टम की, रोल वाली मशीन्स हो गई, सिंपल मशीन्स हो गई, कॉम के साथ मशीन्स हो गई, केवल रोल वाली मशीन्स हो गई, सिंपल कॉम मशीन्स हो गई। तो आपकी मशीन्स जिस जो मशीन्स पे आप काम कर रहे हो उस मशीन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको आप बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हो, डिजाइन्स बनाने के बाद भी सिलेक्ट कर सकते हो। मशीन का विड्थ, चाइनीज मशीन का विड्थ चेंज होता रहता है, ये मशीन्स अपने हिसाब से बनाते हैं। तो जो मशीन्स आपके पास है उसकी जो विड्थ है वो इंचेज में, यहाँ पे इंचेज नहीं लिखा हुआ है इसलिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप इसको समझ के चलना कि विड्थ इंचेज में ही आएगा, ठीक है। तो ये 72 इंच की मशीन हमने ली है, आप कोई दूसरा भी ले सकते हो, जो जैसा आपके मशीन से उसके हिसाब से ही देना होगा आपको। नेडल पर इंच, नेडल पर इंच का मतलब होता है गेज। तो जो नेडल पर इंच है वो आपने गेज डालनी है यहाँ पर, 10 गेज, 12 गेज, 14 गेज, जो जिस गेज की मशीन पे आप काम करने जा रहे हो। इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। दिस डायलॉग बॉक्स विल नॉट बी डिसअपियर नेक्स्ट टाइम,
ये यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर वो डिसअपियर की जगह अपियर नेक्स्ट टाइम आना चाहिए था। दिस डायलॉग बॉक्स विल नॉट बी डिसअपियर्ड, डिस्प्लेड नेक्स्ट टाइम। दिस डायलॉग बॉक्स विल नॉट बी डिस्प्लेड नेक्स्ट टाइम, यानी ये डायलॉग बॉक्स नेक्स्ट टाइम में डिस्प्ले नहीं होगा अगर हमने इसको क्लिक कर दिया तो। हमने इसको क्लिक करके अगर हमने नेक्स्ट दबा दिया तो सीधा फाइल खुल जाएगा, ये खुल गया। अगर हम इसको बंद कर देते हैं और फिर न्यू फाइल में जाते हैं तो वो डायलॉग बॉक्स ही नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। उस बॉक्स को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस टूल में जाना होगा, ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन में ये है एक एडवांस, एडवांस में मशीन टाइप सेलेक्ट दिस इज डिसेबल्ड, इसको आपने चेक हटा देनी होगी यहाँ से, ठीक है। अप्लाई, ओके। अब आप अगर न्यू में जाओगे तो आपको ये डिस्प्ले होगा, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इसको क्लिक नहीं करनी है। नेक्स्ट पे गए, ये कैनवस एरिया, कैनवस एरिया वो हो गया जहां पर हम ड्राइंग टूल्स के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी चीज लिख सकते हैं, कुछ भी चीज बना सकते हैं, उस एरिया को कैनवस एरिया कहते हैं। ये कैनवस एरिया का साइज आप जो जिस साइज पे डिजाइन बनाना चाहते हो उस साइज से आपको ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर हमने रखा है 1024 और ये 2048। हम इसको भी पहले ओके करके देखते हैं ये है क्या। फिनिश, ये वाला जो एरिया है ब्लैक, ठीक है, ये देखो 1024 2048, ठीक है। इसको जूम इन कर लो, 2048, ठीक है, और इस तरफ से 1024। इस एरिया की बात कर रहे हैं वो वहां पर, क्लियर है। चलो और सेटिंग देखते हैं क्या होती है उस पे। नेक्स्ट, ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद हमने रिबिंग सेलेक्ट करनी है। रिबिंग पहला वाला नेफा, नेफा या इसको बोलते हैं ट्यूबलर, दूसरा 1x1 रिबिंग, 2x1 रिबिंग, 2x2 और 3x2, 3x3। जनरली ऊपर वाली चार यूज होते हैं, उसमें भी मैक्सिमम नेफा जिसको हम ट्यूबलर बोलते हैं, और 1x1, 2x1, ऊपर वाले ये तीन ज्यादातर यूज होते हैं। 2x2 भी कभी कभी यूज हो जाता है, पर इन नीचे वाले बहुत कम यूज होते हैं। ये क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पर ऐसे जनरल में बता दूं कि फ्रंट बेड पे एक नीडल नेट करेगा, एक नीडल मिस करेगा तो वो 1x1 हो गया। दो नीडल नेट करेगा, एक नीडल मिस करेगा, फ्रंट बेड में भी और बैक बेड में भी। 2x2 नीडल मतलब दो नीडल नेट करेगा, दो नीडल मिस करेगा, बैक बेड में भी दो नीडल नेट करेगा, दो नीडल मिस करेगा। अब ये आ जाओ आप, ये है नेडल, कितने नेडल आप लेना चाहते हो, ये इसको बोलते हैं वेल, कितने वेल का आप डिजाइन बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे डालोगे। जैसे हमने अभी 300 डाला है तो 300 नेडल का डिजाइन बनेगा, 300 वेल का डिजाइन बनेगा। ये है रिब, ये जो रिब है 1x1 उसका साइज दिया हुआ है, पर ये बॉडी रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन का मतलब हो गया दो कोर्स मिलाने पे एक रेवोल्यूशन बनेगा, मतलब कि वहां से फीडर जाएगी और वापस आएगी, तो मतलब दो कोर्स। तो यहाँ हमने चार लिखा है तो 4 दुनी 8, 8 कोर्स का डिजाइन बनेगा, ठीक है।
और ये है बॉडी रेवोल्यूशन, उसके ऊपर जो डिजाइन हम बनाएंगे वो कितने कोर्स का होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है, अभी मान लो हमने लिख दिया 200, तो 200 का मतलब हो गया 200 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 400, 400 का कोर्स बनेगा। और यहाँ फ्रंट नेट, यहाँ फ्रंट नेट, बैक नेट और रिविंग का ऑप्शन है, मतलब जो पहला फाइल खुलेगा वो हमारा फ्रंट नेट का आएगा। चलो इसको देखते हैं क्या है। फिनिश किया हमने, हमने 300 नीडल बोला था, तो 300 नीडल का मतलब हो गया चौड़ाई। तो हम इधर से इस तरह पाते हैं, ये देखो ये 300 नीडल, ये नीचे दिखा रहा है आपको यहाँ पर 300 नीडल, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर ये 400 नीडल, 400 कोर्स, हमने 200 डाला था, 200 मल्टीप्लाई बाई 2, 400 रिब। ये कास्ट ऑफ के बाद से रिब शुरू होता है, कास्ट ऑफ को यहाँ पर फॉल कहते हैं, फॉल के बाद से आपका रिब शुरू हुआ। रिब में पहला कोर्स आता है उसको बोलते हैं जंजीरी या वेल्ड। वेल्ड फॉर्मेशन होने के बाद ये 3 ट्यूबुलर का कोर्स चलता है जिसको राउंड गेड़ा भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे रिबिंग शुरू होती है, रिब यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसको अगर हम नापते हैं तो ये देखो 8 आ रहा है, हमने वहां पे 4 भरा था, 4 दूनी 8, ठीक है। इसके नीचे ये सारा कटाई का पोर्शन है, इन सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे किसी क्लास में। तो ये नया फाइल खोलने का हमारा क्लास था। थैंक यू वेरी मच।